बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। पाकिस्तान के फैंस लगातार पीएसएल की तुलना आईपीएल से करते रहते हैं, लेकिन उनके दावों की पोल खुल गई है। यहाँ पर 17 फरवरी से पीएसएल का आगाज होने वाला है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में एक बड़ा अटैक हुआ है। पीएसएल 17 फरवरी से 18 मार्च के बीच खेला जाना है, जिसके टिकटों के लिए अगर बात करें तो 6 फरवरी की शाम को टिकट मिलने वाले थे। फैंस इंतजार कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि साइबर अटैक हो गया और यहां पर टिकट ही नहीं मिल पा रहे हैं। अब 17 फरवरी से मुकाबले शुरू हैं और यहां पर टिकटें जो है वो नहीं मिल पा रही है। ये बड़ी खबर है निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान से, और इसकी जानकारी खुद पीएसएल की वेबसाइट ने दी है। पीएसएल की वेबसाइट ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। पीएसएल की वेबसाइट ने लिखा है कि हमारी टिकट की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है, टेक्निकल टीम उसे दुरुस्त करने में जुटी है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही समस्या को ठीक कर लेंगे, जिसके बाद टिकटों की सेल शुरू कर दी जाएगी। तो ये जानकारी पीएसएल की तरफ से दी गई है। वहीं अगर बात करें पीएसएल के इस सीजन की, नवे सीजन की, तो 17 फरवरी से 18 मार्च के बीच इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें 4 शहरों में मुकाबले खेले जाएंगे। सबसे ज्यादा मुकाबले कराची शहर में खेले जाएंगे। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो लाहौर और फिर रावलपिंडी में अगर आप देखें तो वहाँ 9 मुकाबले खेले जाएंगे, बाकी 5 मुकाबले मुल्तान में खेले जाएंगे। तो ऐसा शेड्यूल रहने वाला है पीएसएल का। और रही बात पीएसएल, इस बार थोड़ा खास इसलिए भी रहेगा क्योंकि टीमों में जिस तरीके से ड्रॉप के बाद चीजें चेंज हुई हैं, तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टीमें यहाँ पर बेहतर कर पाती हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से अगर आप देखें तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है कि जिस तरीके से उनका साइबर अटैक हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में उनको एक नया अध्यक्ष भी मिला है। मोहसिन वहां पर उनके नए अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उसके बाद ही ये खबर आ जाना कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को किरकिरी करने वाली खबर है। बाकी आप क्या सोचते हैं पीएसएल को लेकर, प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।